अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं फातिमा, मैं हूँ गुलादी। तो आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं साध और साधियों वाले कार्टून पर, जिस चैनल का नाम है किड्स मदनी चैनल। और ये इस कार्टून की एपिसोड 3 है और एपिसोड 2 हमने कर लिया है। और फामा, ये आपको कार्टून अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सादिया के साथ हम सीखे हदीस ये लड़ोगी तुम्हारा खाना। साथ भाई, मैंने सुना है कि घर में कुत्ता रखना मना है। बाबर भाई, मेरे बाबा जान ने मुझे बताया था कि शौक या कुत्ता नहीं पालना चाहिए, लेकिन हिफाजत के लिए कुत्ता पाला जा सकता है। अच्छा। मुर्गा, अभी पकड़ता हूँ इसे। भाग के कहाँ जाओगे? क्या कर रहे हैं बाबर भाई, ऐसा ना करें प्लीज। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। रुके रुके, ठहरे, ना करें। अब क्या करोगे तुम? बाबर भाई रुक जाए प्लीज। बाबर भाई, जानवरों को तंग करना बहुत बुरी बात है। अरे साथ भाई, ये आपने व्हाइट मुर्गा ही क्यों ले लिया? मुर्गे तो कलरफुल ही अच्छे लगते हैं। बाबर भाई, सफेद मुर्गे की बड़ी फजीलत है। हदीस शरीफ का मफहूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफेद मुर्ग रखा करो। इसलिए कि जिस घर में सफेद मुर्ग होगा तो न शैतान उनके घर के करीब होगा और न जादूगर उनके घरों के करीब होगा जो उस घर के इर्द गिर्द है। अच्छा चले ठीक है साथ भाई, मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ आपसे। चले ठीक है बाबर भाई, फी अमानिल्लाह। बाबर भाई ऐसे नहीं फेंकते। ये कौन कर सकता है? मुर्गे भाई, कौन कर सकता है ये? क्या? अरे ये स्लाइस आधा खाकर बाहर फेंका हुआ था, ये हरकत किसकी होगी? दंगेदारी करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। और अपनी ये जासूसी तुम अपने पास ही रखो, मुझ पर तो बिल्कुल नहीं आजमाना। मेरे पास ऐसी फजूल हरकतें करने का टाइम नहीं है, समझे? मतलब तुमने नहीं किया? चलो कोई बात नहीं, बत्तख, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? नहीं तो। फिर कौन कर सकता है ये? सादिया, ये स्लाइस आपने बाहर फेंका था ना? नहीं तो साथ भाई, मैं भला के फेंकूंगी। मैं तो खुद ये सोच रही हूँ कि ये ब्रेड की थैली को इस तरह से किसने खराब किया है। ये हरकत जिसकी भी है बहुत गलत हरकत है। एक हदीस का मफहूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोटी का एहतराम करो, कि वो आसमान और जमीन की बरकतों में से है। आपी, आपी उठे ना। क्या हो गया फिया? सो जाएं, रात बहुत हो रही है। आपी, आपी पानी, आपी। क्या हो गया आफिया आपको, नींद नहीं आ रही क्या? आपी पानी। हूँ, अच्छा लाती हूँ। आफिया, अगर आप छुपी हुई हैं तो बाहर आ जाएं। आफिया जी। आपी, आप मुझे बुला रही थी क्या? हैं, आप यहाँ हैं तो फिर वहाँ कौन है? कहाँ पर? नहीं कुछ नहीं, ये ले आप पानी पिए। कौन है? कहाँ गया? वो तो भाग गया। अच्छा बच्चा कैसे बनना है, बताते अदब हमको। सादर सादिया देखो, सिखाते तकफिरुल्लाह। आफिया, ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं साथ भाई।
ये रोटी को इस तरह आप जमीन पर क्यों फेंक रही हैं? इस तरह से रोटी को जमीन पर फेंकना तो रिस की बेअदबी है। दाद भाई, ये मैं नहीं खाती। तो बेटा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इस तरह रोटी को यूं जमीन पर फेंक दें। लाएं, ये मुझे दें। रोटी को कभी भी ऐसे जाया नहीं करना चाहिए। एक हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अकरिमुल खुब्ज़ा फइन्नहु मिन बरकातिस समाई वल अर्द। रोटी का एहतराम करो कि वो आसमानों जमीन की बरकत से है। बाबा जान, इस हदीस का तो साद भाई ने भी मुझे बताया था। शाबाश साद बेटा, अपने छोटों को इसी तरह अच्छी अच्छी बातें बताते रहना चाहिए और अगर हो सके तो याद भी करवानी चाहिए। जी बाबा जान, जैसे आपने मुझे याद करवाई थी। चलें, हम सब मिलकर ये हदीस याद करते हैं। रोटी का एहतराम करो, रोटी का एहतराम करो कि वो आसमानों जमीन की बरकात से है। शाबाश। रोटी का एहतराम करो कि वो आसमानों जमीन की बरकात से है। साथ और सादिया के साथ आओ सीखें हदीस, सीखें हदीस। गाइस, वीडियो ख़त्म हो गया। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फामा, आपको वीडियो कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। पार्ट कौन सा अच्छा लगा? वो फातिमा अटक क्यों जाती है? पिछली वीडियो के अंदर तो तुमने अटक गई थी। चलो आप रहने दो, मैं बोल देता हूँ। मुझे तो वाला पार्ट अच्छा लगा, जो सा वो उसकी छोटी बहन वो रोटी गिरा रही थी, तो उसने उसके उसके भाई ने साथ ने कहा कि ऐसे नहीं गिराते हो, तो मुझे तो वो वाला पार्ट अच्छा लगा। और आपको कौन सा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।